हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने भी वैक्सीनेटर सहायक मेरे मित्र हैं, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक पशु पालन विभाग में एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, वो मैं पूरे भारत के लिए है। आप कहीं से भी हैं, आपकी जो सैलरी है मैंने थंबनेल पर लिखा था, वही मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूं। और एक दोस्त रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दो यार। लाइक आप नहीं करते, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में इस कॉपी पर मैंने लिख रखा है, बाकी आप स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रीन पर आप समझ लेंगे पढ़ करके, अगर मतलब ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये मतलब कि भर्ती है। ऐसा कोई फ्रॉड व्रॉड वाली काम नहीं करते हम। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा करके अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे, और वहाँ पे उसको क्लिक करके आप उस प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीज़ की भर्ती है, कौन कौन सी पदों जो खाली है, कितने और कितना क्या है, मैं ये सारा कुछ जो है इसमें आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ, आपको पूरा डिटेल्स में आगे दिखा रहा हूँ कि कुल पद है 3348। और ये पशुपालन विभाग मतलब भर्ती है, पशु अगर सेवा करना चाहते हैं, पशु विभाग में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और मैं आपको ये आगे दिखा रहा हूँ कि पोस्ट का नाम है सेल्स मैनेजर, मतलब विक्रय प्रबंधक उसको हिंदी में कहते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये टोटल 3348 पद हैं, ठीक है। और विक्रय सहायक जो हैं वो 2700 मतलब पद है उनका। और विक्रय विकास अधिकारी के नाम से जो पद है वो 540 है। और विक्रय प्रबंधक जो है वो 108 है। विक्रय सहायक जो है वो 15,000 रुपये सैलरी है, मतलब उसको मानदेय बोलिए, सैलरी बोलिए, मतलब जो भी है। विक्रय विकास अधिकारी 18,000 रुपये है। और जो विक्रय प्रबंधक है मैनेजर का, मतलब वो 21,000 है। क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पास, 12वीं पास, ठीक है। और जो प्रबंधक के लिए उसके लिए डिग्री मतलब चाहिए, समझ रहे हैं ना, यही चीज़ है। और बाकी एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, आप 40 वर्ष तक अधिकतम मतलब अगर हैं 40 वर्ष, तो 40 वर्ष से कम के हैं, ज़्यादा नहीं, 40 वर्ष से कम के हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और विक्रय प्रबंधक जो है वो 21 से 40 के एज के बीच में होनी चाहिए। और बाकी आप ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर लिख दिया है। बाकी मैं और भी आगे बता रहा हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मतलब फ़ीस होता है वो कितना पैसे लगेगा, ये इसमें आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो विक्रय सहायक उनके लिए 590 रुपये है, विक्रय सहायक अधिकारी 708 है, विक्रय प्रबंधक 826 है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और जॉब जो लोकेशन है वो ऑल इंडिया कहीं पे भी आप जो है कर सकते हैं। आप ही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट लिया था और स्क्रीनशॉट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस वहाँ से जा कर के आप सीधा उस पर पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्त, ये सब थोड़ा होशियारी से कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी देखा है कि फ्रॉड भी होता है, लेकिन बहुत अच्छे भी होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं वहाँ से अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अच्छी तरह से इसको जांच पड़ताल करके और वहाँ से फिर अप्लाई कीजिएगा। नौकरी तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। इसमें सैलरी भी दिखा रहा है, सब कुछ है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक चीज़ बढ़िया है कि आपका एज लिमिट ज़्यादा है, 21 से 40 वर्ष दिखा रहा है। और 21 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क अप्लाई कीजिएगा। और वहाँ पे जो पेज पे जब जाएंगे तो आप फॉर्म भरेंगे, तो वो फॉर्म मतलब भरेंगे तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप सबमिट कीजिएगा और फिर आप आवेदन कीजिएगा। ये नौकरी बहुत अच्छा है, आप आवेदन कीजिए, ठीक है। पशु विभाग में भर्ती है, गांव में रह करके करना है काम। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो अभी देरी मत कीजिए, फिलहाल में जाइए और तुरंत अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी करना चाहते हैं, सॉरी ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन ही हो सकता है, और जा करके अप्लाई करके आप नौकरी को हासिल कर सकते हैं। मेरा काम रहता है दोस्त कि हर कोई कुछ ना कुछ करे, और कोई भी नया अपडेट आता है तो पशु के संबंधित, पशुपालन विभाग से संबंधित मैं जल्द से जल्द रूबरू कराता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।